सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इसमें जो आपने दो बातें भी सुनी, खड़गे जी ने कहा कि तय हो रहा है मामला और जल्दी ही हम इस पर काम पे लग जाएंगे, और अखिलेश जी को आपने सुना है कि बहुत जल्द लगेंगे, सर्टेनिटी नहीं। खड़गे जी ने क्या कहा, मैं तीन चार बातें आपको मुख्य रूप से बताया था। उन्होंने एक तो ये कहा कि पहले चुनाव जीतने पर जोर होना चाहिए, चेहरे पर नहीं। प्रधानमंत्री तो चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे, और जीते नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, लॉजिकल बात है उनकी। तो पहले तय हो कि चुनाव जीत लें हम, एमपी बन जाएं, फिर पीएम के बारे में सोचेंगे। दूसरा ये भी कहा गया कि 30 जनवरी से संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा, और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है संसद में सांसदों के निलंबन का, इस पर एक प्रस्ताव पास हुआ और इसकी निंदा की गई, और 22 दिसंबर से इसमें प्रदर्शन वगैरह भी किए जाएंगे, ये हुआ। लेकिन चार बैठकों के बावजूद बहुत सारे जो मूल प्रश्न हैं उस पर कोई ठोस चीज़ निकल के नहीं आई है। तो मैं ज़्यादा अटकलबाजी करूँ, इससे बेहतर है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं गठबंधन के लोग, उनसे ही बातचीत करके पूछा जाए कि भाई क्या क्या हुआ। तो इसके लिए हमारे साथ आज जो मेहमान है, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव रॉय, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अनुप्रिया, और साथ ही दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और पत्रकार अनुश अक्कू श्रीवास्तव जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बहुत दिन बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं सर जी। क्या क्या हुआ सर, बताओ ना। हाँ नहीं, थोड़ा मैं क्षेत्र में ज्यादा रहता हूँ चुनाव की तैयारी करने लग रहा है पहले से, है ना, ना लग गए आप तैयारी जी। उधर थोड़ा लगा था और मैं आज इसी चक्कर जी आपसे मिलने के लिए मैं स्टूडियो आया। मुझे नहीं पता था कि आप मुंबई बैठते हैं, नहीं तो मैं घर से ही कर लेता। सतीश जी ने ये आले आप बाउंसर दे रहा, आपको पता है कि मैं मुंबई में रहता हूं। सवाल कर रहे थे, एक बार रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है, मुझे ध्यान से उतर गया था। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि क्या बैठक में क्या हुआ, ठोस बातचीत बैठक में क्या निकली, ये बताइए। देखिए बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सीट शेयरिंग की चीज़ें अब शुरू होने जा रही हैं, और वो कैसे होंगी उसके बारे में एक गाइडलाइन तय हो गई, और फिर हमारी जनसभाएं भी होंगी राजनीति के लिए चुनाव में जाने के लिए, जो और चीज़ों की आवश्यकता होती है, मुद्दों को रखना, क्षेत्र के लोगों के बीच में जाना, हमारा गठबंधन है, हम इस गठबंधन के साथ इस प्रदेश में इनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन चीज़ों को विधिवत उसका प्रचार प्रसार करके ज्वाइंट कार्यक्रम बनाना, ये सारी चीज़ों पे एक मोटा मोटा रफ बना है, और उस पर अब लोकल जो जहाँ जिस स्टेट के लीडरों के साथ दो पार्टी के साथ गठबंधन होंगे, दो बातें आपने कही अलग से फिर बैठ के बात करेंगे। आपने दो बातें कही, एक आपने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए गाइडलाइंस तय हो गई, और दूसरे कहा आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाया, तो ये गाइडलाइंस क्या तय हुई है सीट शेयरिंग के लिए? जैसे जो हमारे विनेबल कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट के आधार पे सीटें ली जाएंगी आपस में बात करके, कि मेरे ये हैं और आपके ये, हम दोनों लोग ये आपस में बात कर लें कि हमारा इन दोनों में से बेटर कौन है। तो हम जो कैंडिडेट हमारा पॉपुलर है, जीतने की जिसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जब कैंडिडेट कई हैं तो सबके अपने कैंडिडेट होंगे, तो उसमें जो बेटर होगा जिस सीट पे उसको लड़ाने का मन बनाया गया है। ये नहीं कि हम सीटें हमें इतनी दे दो और हमारे पास
उस सीटों पे कमजोर कैंडिडेट है, दूसरे के पास तो अगर मतलब आप फिर है, तो जो दूसरे वाले को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश है उसमें तो सर आप सीट वाइज नहीं कैंडिडेट वाइज जो है। अरे तो यूपी में महाराज आप बहुत पिछड़ जाएंगे, दो ही सीटें मिलेंगी आपको फिर। विनबिलिटी क्या फार्मूला अगर आपने सेट कर लिया तो आपको गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है। कैसे आपको गलत फहमी है? कैसे गलत फहमी? क्यों दो मिलेंगी? आप ही कह रहे हो विनबिलिटी के आधार पर। तो क्यों दो मिलेंगी? किस कैलकुलेशन से आपने किया? पिछली बार आपने हाँ तो विनबिलिटी के आधार पे तो जिसको ज्यादा मिलेंगी उसकी क्या विनबिलिटी है? अरे जिस कितने सीटें हैं, किस क्या क्या है? अच्छा रुकिए एक मिनट, थोड़े कहने के सारे सुनो अगले जी, ये अभी जब राजीव राजी के पास जाएंगे तब तय कराएंगे विनबिलिटी किसकी है। मैंने पहले दो तीन सवाल और फटाफट जवाब दीजिए सर आप। संयोजक कौन है, कार्य समिति क्या है, सचिवालय कहाँ है, मीटिंग कौन कॉल करेगा, एनडीए का चेहरा कौन होगा, कॉमनवेल्थ में प्रोग्राम क्या है, ये जो ठोस चीजें इस पे कुछ तो बात ही नहीं हुई। कि हो तो रहा है ना, कहाँ हो रहा है, क्या हुआ बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ क्या हुआ बताओ? हमारे गठबंधन की बैठक हो रही है ना? नहीं आप थोड़ा बोल शब्दों को आने दें, हमें शब्दों को आने दें। आपने कहा कि हमारा नेता कौन होगा, ये हर मीटिंग में तय हो चुका है, बताया चुका है, फिर भी आपका सवाल ही आता है। हमारे यहाँ एक लीडर नहीं है सिर्फ मोदी जी, और उनकी बैठकों का क्या हुआ एनडीए की? 38 दल तो है ना, कोई बैठक हो रही है क्या? अरे उनको छोड़ो तो एकात्मवाद है, उनको छोड़ो सर आप। हमारे यहाँ लीडरों की गैलेक्सी है। सुन तो लीजिए, सुनिए थोड़ा अवसर दीजिए बोलने का, बात रखने का। आप हमारे लोगों की एक मीटिंगें हो रही हैं, बार बार मीटिंगें हो रही हैं, हम कदम कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा अलायंस इतना आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ है, जबकि लोकल स्तर पे हमारी बहुत सी चीज़ों में मत भिन्नता है, लेकिन मन भिन्नता नहीं है, ये दिख भी रहा है। सबका लक्ष्य एक है, यूनिटी दिख रही है। हमारे में ये भी है कि हम सांसद चुनते हैं देश में, सांसद जब चुन जाएंगे, सांसद एमपी जो है चुने जाते हैं, एमपी पीएम चुनते हैं, तो हम उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। दूसरे जगह क्या है? अखिलेश जी ये बताओ, प्रश्न मत करो अखिलेश जी। अरे उधर सर एनडीए की बैठक पे हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं वरना सुल्तान तो अखिलेश जी हम आज इंडिया की बैठक पे चर्चा कर रहे हैं, एनडीए वालों को छोड़ो, अभी जब उस दिन करेंगे तो उस पे आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि पहले जीत लो, बिल्कुल सही बात है, जीतेंगे तभी पीएम बनेगा। खड़गे जी की बात से मैं सहमत हूँ, लॉजिकल है, पहले एमपी बनो फिर पीएम। लेकिन एमपी बनने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए वो तो कुछ बनाया नहीं है, और आपके सहयोगी दल शिवसेना ने सामना में लिख दिया है कि चेहरे बहुत है, इससे काम नहीं चलेगा। कौन चेहरा है बताइए? हाँ सारे चेहरे हैं हमारे, ये तो बार बार कहा जा चुका है। अरे शिवसेना वालों को बताइए ना, वो कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत चेहरे हैं, एक चेहरा बताइए। उनको भी पता, सब उनको भी पता है, वो भी बैठक में रहते हैं। आपके माध्यम से नहीं बताया जाएगा, आप जो यहाँ बताया भी जा रहा है, लेकिन मीटिंग में तो सबको बताया गया। आपने उनको ये कहा सामने में ये लेख क्यों लिखा उन्होंने? उनको भी पता है हमारे, आप जीरा कर रहे हैं आप जो है। अरे मैं उन्हीं का लेख बता रहा हूँ आपको, देखो सामने में लेख लिखवा रहा उन्होंने स्टेप स्टेप पे। अरे भाई आप व्याकुल हो करके थोड़ा धैर्य रखिए, अधीर मत होइए। प्रश्नों का जितना सवाल आप कर रहे हैं, मन में सोच बैठे हैं, तो उसको निकाल दीजिए, जवाब आने दीजिए। ये जो अपने मन माफिक प्रश्नों के न आने पे जो व्याकुलता दिखती है वो आप में दिख रही है, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। हम कह रहे हैं कि हमारे में आप कमियां गलतियां देखते रहिए, लोकतंत्र है, हमें कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। और हम बता रहे हैं कि हम विभिन्न विचारधारा के होते हुए भी, लेकिन एक व्यापक विचारधारा एक है, और पूरे देश की ये डिमांड है कि इस देश को और देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के इकोनॉमी से लेकर रोजी रोजगार, कारोबार, व्यापार, इन सब चीज़ों को बचाना है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम सारे लोग आज एक हुए हैं, और एक होकर के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एजेंडा भी आएगा, हमारी किस मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे वो भी आएगा, सब कुछ समय अनुसार। अरे समय कहाँ अखिलेश जी, आप मुझे मेरे ऊपर देखो अखिलेश जी, सुनो अभी सुनो 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 सवाल सुनो सर, आप हमारे ऊपर चिल्ला के कुछ फायदा नहीं सर। एक भी ठोस कार्यक्रम आपका इन चार बैठकों में तय नहीं हुआ। कहाँ चिल्लाए? नहीं आप मेरे ऊपर नाराज हो रहे हो, मैं सारे सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ संयोजक कौन, सचिवालय कहाँ,
झंडा क्या, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, कुछ तो तय नहीं किया आप लोगों ने। चार बैठक से वही हो रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कहाँ हो रहा है कुछ? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, और आपके सहयोगी पूछ रहे हैं, मैं नहीं। शिवसेना ने पत्र में अपने लिखा कि बहुत सारे चेहरे बताने से काम नहीं चलेगा। चेहरा कौन है? उन्होंने बूथ लेवल पर काम शुरू कर दिया और यहाँ अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, ये उनका प्रश्न है जी। ये अपनी 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 बात है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बार बार ये कहा जा चुका है कि हमारा एक सब हमारे चेहरे हैं, हमारे पास जो हैं वो लीडरों की गैलेक्सीज है। सब मोदी जिसे 100 गुना अधिक काबिल, योग्य और लोकतांत्रिक और व्यवहार कुशल और लोकप्रिय हैं। कोई जितने हमारे लीडर हैं, जितने हमारे दल हैं उनके नेता, कोई अलोकतांत्रिक या तानाशाह प्रवृत्ति का या यूँ कहिए कि आपको प्रश्न करने से भिड़क जाने वाला और सामना ना करे संसद का और लोकतंत्र की दुहाई दें, तो ऐसे लीडर मेरे पास नहीं हैं। हमारे सब लीडर लिबरल हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, विचारधाराओं पे बात करते हैं और निंदा की भी हम सम्मान करते हैं, प्रश्न का भी हम आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बिना बात और आदान बातों के, विचारों के आदान प्रदान से और प्रश्नों से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर कहीं विचार विमर्श नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होगा, प्रश्नोत्तरी या उत्तरी नहीं होगी। अरे अखिलेश जी सुनो ना, अखिलेश जी देखिए बुरा मत मानिएगा, चार बार की जो बैठकों के बाद हम हर बार जब शो करते हैं आप लोग की यही बात हमको बताते हैं। अब रुकिए ना, राजीव राजी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी। राजीव राजी शुरुआत से आप जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी से मैंने पूछा कि कैसे मतलब सीट शेयरिंग, तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की गाइडलाइन तय हो गई हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो मैंने पूछा क्या गाइडलाइन तय हुई, बोला विनिबिलिटी का फैक्टर होगा। तो मैंने कहा यूपी में फिर आपको 2 सीटें मिलेंगी, 2 भी कहा, 1 मिल सकती है विनिबिलिटी के आधार पर। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी कि दूसरा सब जीत ही लेगा। ये हुआ है बैठक में राजीव राय जी? देखिए जो अखिलेश जी ने कहा वो सही कहा, इस बात पर मतभेद हो सकता है कि 2 विनिबिलिटी है या 20 विनिबिलिटी है, लेकिन ये बात हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने बहुत पहले बोला था और प्रेस वार्ता में ही बोला था कि जो कैंडिडेट जिताऊ हो, जो जीत सके, उसके लिए हम खुले हैं, हम लोग ओपन हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अब जब दोनों पार्टियों के नेता वहां बैठेंगे अपनी सीटों को लेकर, तब वो डिस्कस हो जाएगा और तय हो जाएगा। अगर लक्ष्य तय हो गया है, साथ चलने का इरादा तय हो गया है, तो वो भी तय हो जाएगा। साथ चलने के लिए कोई प्रोग्राम कैसे चलेंगे साथ? प्रोग्राम बिना प्रोग्राम के तो चलेंगे नहीं। अगर कहीं नहीं कोई कॉमन ग्राउंड है तभी तो 28 पार्टियां मिली, 40 पार्टियां नहीं मिली। कॉमन ग्राउंड अगर नहीं होता तो 28 पार्टियां ही क्यों मिली, 40 पार्टियां क्यों नहीं मिली, जिन कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग रही है पार्टियों में। और जब बैठक होगा तो देखिए सही बात है, पहली बैठक पटना में थी, मैं वहां भी था, बेंगलोर में भी मैं था, मुंबई में मैं नहीं था। पहली बैठक एक औपचारिक था कि सोचा जाए कि इंडिया गठबंधन बनने के लिए, दूसरे बेंगलोर हॉल में कुछ ठोस बात हुई, तीसरा मुंबई में भी ठोस बात हुई, लेकिन राज्यों के चुनाव आ गए, कांग्रेस उधर व्यस्त हो गई, नहीं हो पाया। अब उसके तत्काल बाद ये मीटिंग हुई और इसमें कहा गया है कि 31 जनवरी से पहले या जनवरी के आखिरी सप्ताह तक हम गठबंधन की रैलियां शुरू कर देंगे। तो जरूर नेताओं में आपस में वहां बैठे होंगे तो बात हुई होगी। कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब उनका गठबंधन की मीटिंग खत्म हुई, तब से तो मैं चैनलों पर हूं, तो मेरी विस्तार से वार्ता भी नहीं हुई है। राजू राय जी ये कहना कि कोई कॉमन बात नहीं हुई है, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। देखिये राजू राय जी, पहली जब बैठक हुई थी तब ये कहा गया था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, एक संयोजक होगा और मिल के लड़ेंगे। ये 3 बातें सिद्धांत रूप में बिल्कुल सही है और यही मैं इसी में सवाल पूछ रहा हूँ। आज की बैठक से ठीक पहले सहयोगी एक आपके सवाल उठा रहे हैं कि फेस कौन है आपके यहाँ, तो बहुत सारे फेस, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि सामने वाले गठबंधन ने एक फेस तय कर लिया है और वो बहुत काम कर रहे हैं और आपस में मतभेद नहीं मनभेद है, इसलिए अखिलेश यादव को जानबूझकर एमपी के चुनाव से दूर रखा गया। ये आपकी पार्टी के सहयोगी दल शिवसेना ने अपने सामना में लिखा है। फिर दूसरा जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी जी ने आज कहा कि हम 1 साल बर्बाद कर चुके हैं, हमने कुछ काम ही नहीं किया ग्राउंड पे, और उधर बूथ लेवल पे तैयारी चल रही सामने वाले की जिससे युद्ध करना है। अब बताओ मेरा इसमें क्या सवाल ना जाए जो अखिलेश जी एकदम गुस्साए जा रहे हैं,
आप ही लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्या तय हुआ है? नीरज जी आप पत्रकार है, आपका सवाल आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम जब कोई विचार व्यक्त कर रहा हूँ तो उसको आप गुस्साने में लेंगे। आप भी वही मोदी जी वाली या बीजेपी मानसिकता की बातें मत करिए, हम भाई देखिए नीरज जी, अभी 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 तीन राज्यों का चुनाव हुआ, जो चार राज्यों का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चेहरा नहीं दिया था। 2004 में मनमोहन सिंह जी यूपीए का चेहरा नहीं थे, 10 साल चलाना। इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं जो चेहरे नहीं थे, और आप कोई साल दो साल चला तो कोई 10 साल भी चला। हम उस रेस में नहीं है, इसलिए हमको गठबंधन जिसको भी चेहरा बनाएगा स्वीकार है, पहली बात। दूसरी बात, शिवसेना के किसी अखबार के आपने जिक्र किया तो अखबार अपने नेताओं से पूछ ले जो बैठक में रहते हैं कि ऐसा क्या बात हुई है, क्या बात नहीं है, चेहरा क्यों नहीं है। मैं तो इतना बस जानता हूं कि पहले भी कोई चेहरे नहीं थे और सरकारें बनी और 10-10 साल तक चली है, और चूंकि हम रेस में नहीं है इसलिए हम उसके लिए चिंतित नहीं है कि चेहरा कौन होगा। हमारी चिंता यह है कि जो इस समय देश में सरकार चल रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से सदन को तनाशाही, पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आ रहा था, अब बताइए, आप बताइए नीरज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, अपने याददाश्त को थोड़ा ताजा कर लीजिए और एक उदाहरण दीजिए कि अमुक मुद्दे पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जैसी शख्सियत राज्यसभा में अनुशासनहीनता की थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, या आज का कोई वीडियो हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मांगकर जरूर इस अपने चैनल पर चलाइए कि अनुशासनहीनता क्या कर रहे थे। अब इस तरह की सरकार और किस ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड तोड़ करके सांसदों को बाहर कर दिया गया, और किसके लिए बाहर किया गया, जिसके पास पर घुसपैठिए भीतर गए वो भीतर बैठा हुआ है, जिन्होंने उस पर सवाल उठाया उन सबको बाहर कर दिया गया। नीरज जी यहाँ दो वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, एक चीज बताइए आप लोग अपनी ईमानदारी से छोड़ के, कि अगर ये पास किसी विपक्ष के सांसद ने दिया होता तो क्या सरकार का रवैया, उस महामहिम जो सदन में बैठे उनका रवैया यही होता? अगर इस तरह की सरकार है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, पहले इस तरह की तानाशाह और बेरहम सरकार, राजीव जी आता हूं, बात प्रधानमंत्री के मुद्दे पर बात हो जाएगी। राजीव जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि वो रेस में नहीं है, मैं वो क्रक्स पे ही बात करूंगा, मतलब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी चेहरा बनने की रेस में नहीं है। राजीव जी आपने कहा है ये ठीक। अनुप्रिया जी, जी जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता, केसी त्यागी जी कह रहे हैं ये एक साल पूरा बर्बाद कर दिया, उधर तो बूथ लेवल तक की तैयारी हो गई, हम लोग यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी चैनल पे बैठ के मतभेद दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने पूछा कि शिवसेना में से राजीव जी उनका मुखपत्र है, जो वो लिखते हैं वही माना जाता है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन है, सामने रखिए, ये सब बातें वो सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि उनके नेताओं को अपने अखबार में जो छपता है उसके बारे में खुद पूछना चाहिए। अनुप्रिया जी, केसी त्यागी जी कह रहे हैं समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या तय हुआ आज फिर? देखिए नीरज जी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास करके पूरे विपक्ष, मैं कहती हूँ अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ में कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से एकजुट कर एक मजबूत विपक्ष देश के सामने रखा, वैसी सरकार के सामने में जो सरकार तानाशाही सरकार चल रही है, जो लोकतंत्र की जिसको चिंता नहीं है, नहीं आम आवाम की चिंता है, तो मुख्यमंत्री जी का मुख्य मकसद यह था कि ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन हमारे साथ ही सहयोगी दल और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण समय था कि जो केंद्र के चुनाव की रणनीति हम तैयार करते या एकजुटता हम दिखाते, लेकिन इस बीच में 5 राज्यों के इलेक्शंस को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा तर्ज दिया और मुझे लगता है कि वो परिणाम भी वैसे नहीं आए। अगर जिस तरह से एनडीए इसको सेमीफाइनल मान रहा था, अगर इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन केंद्र के इलेक्शन के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो रही थी, तो इसी अलायंस को अगर मान करके विधानसभा के 5 राज्यों के इलेक्शन में जाती कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि यह परिणाम कुछ और होता। और जिस तरह से मनोबल आज बीजेपी का बढ़ा हुआ है और वो मनोबल आज टूटता नजर आता, और हम जो
सच में हमने कुछ लंबा समय हमने बर्बाद कर दिया सिर्फ यह देखने में कि किसकी कहां शाखें मजबूत है नहीं मजबूत है। तो इससे बढ़िया यह होता कि इंडिया अलायंस लड़ लेता और परिणाम कुछ आता, बीजेपी का मनोबल भी टूटता और हमारे कई अलग अलग क्योंकि दल हैं यहाँ, अलग अलग कार्यकर्ता हैं, सभी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, सबका मनोबल भी बढ़ता और सभी एकजुट होते। लेकिन चलिए, जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को सुधारने का समय है, हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन अब आज की बैठक हो गई है, बहुत अच्छी बैठक रही, चौथी बैठक हो गई है, मुझे उम्मीद है कि सभी दल साथ में कांग्रेस बड़ा दल दिखाते हुए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुटता जिस तरह से हुई है वो आगे एक नजीर पेश करेगी। जी सुन लिया अखिलेश जी, आपने अकेले अकेले केक खाना चाह रहे थे, समय बर्बाद किया आपने। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर किसी को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे यहाँ कीर्तन मंडली नहीं है, एक जीवंत राजनैतिक दल हैं हम सारे लोग, और अपनी बात जो रखता है हम उसका सम्मान करते हैं। जहाँ तक रही बात मनोबल बीजेपी का बढ़ने का, ठीक है वो चैनलों में और अखबारों में बढ़ा हुआ होगा, कांग्रेस बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा वोट पाई है, हम थोड़े से मार्जिन से 40% हमारे पास सब जगह वोट हैं, कहीं 2% कहीं 3% के मार्जिन से मध्य प्रदेश थोड़ा ज़्यादा है जी, वो डिफरेंस है। और जीत जाने के बाद जिस प्रकार से लोकतंत्र का स्थानीय राज्यों में इन लोगों ने दलन किया है अपने ही पार्टी के नेताओं का, उसे सबको दिखने लगा है, बीजेपी के लोगों को भी ये पूरी तरह आभास है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। कैसे दमन किया अपनी पार्टी के अंदर, क्या दमन किया? प्रणाम, जब तक क्या दमन किया, दिखा नहीं? मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे राजस्थान में हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ नहीं देना है। क्या बात अगले जी, प्यार हमें प्यार नहीं आ रहा है, जो सच्चाई है वो आ रही है, प्यार आपको आ रहा है, प्यार आपको आ रहा है। नहीं नहीं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो घटित हुआ है। हाँ, जो घटित है, जो घटित हुआ है, जो घटित हुआ उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। अरे तो उनका दल है, वो कुछ भी तय करे, अगर हम उनकी निंदा कर रहे हैं उनसे सहानुभूति आ रही है। अरे क्यों लोकतंत्र, अरे ठीक है बनावे, लेकिन लोकतंत्र में गुणदोष के आधार पे व्याख्या की जाती है। तो आपको कैसे पता डॉक्टर मोहन यादव के गुणदोष क्या है? अभी तो बने ही विचार हो या किसी और का दल, आप देखिए 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 जो आज हो रहा है ना, आपको याद होगा मीरा कुमार जी भी स्पीकर थी और संगमा जी भी स्पीकर थे, और क्या क्या हाउस में होता था जी, और उस समय के वीडियो देख कितने प्यार से सदन को चलाया जाता था, और लगता था कि ये स्पीकर या वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे गार्जियन हैं। आ तो सदन को माइक को म्यूट कर दो, कमरे का हटा दो, स्पंज कर दो, सत्ता समाप्त कर दो, डिबार कर दो, सस्पेंड कर दो। अरे भाई ये संसद भवन है, ये न संघ भवन है न केशव भवन है, सवाल यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? अखिलेश जी रुको ना, अभी थोड़ा इधर ही रहें दो, टाइम अनुप्रिया बहन सवाल करेंगे, मुझे दो तीन मुख्य बातें बताइए जिससे आपने कहा। अरे अखिलेश जी एक मिनट रुको ना, आपके सहयोगी से बात करना मुझे। अनुप्रिया जी भाई ये बताइए कि आपने कहा कि चलो जो बीती तय विसार दे आगे की सुध ले, तो आगे की जो आप सुध ले रही, तो आज दो तीन मुख्य बातें बताइए क्या तय हुआ? जी, आज की जो बैठक हुई, निश्चित तौर पे बैठक की जो हमारे शीर्ष नेतृत्व वहां थे वो आपको बताएंगे जरूर, लेकिन हमारे जो बैठक अब की होनी थी वह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर थी, सीट शेयरिंग को लेकर करती थी। कि देखिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 में बीजेपी के रथ को बिहार में रोका था, वन अगेंस्ट वन की हमारी फाइट होनी है कि अगर हम एनडीए के खिलाफ में इंडिया अलायंस के एक कैंडिडेट को देते हैं तो निश्चित तौर पे जब देश में एक मैं कहती हूं कि विकल्प होगा तो भारत की जनता जो इंडिया अलायंस के साथ में जाएगी। क्या अहम बैठकें हुई है? मुझे लगता है कि सारे जो नेता हमारे हैं, सभी दलों के नेता हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी हो जाएगी। हो लेकिन गई। जो मुझे जानकारी, अनुप्रिया बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और दो लोगों ने बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं तय हुआ, ये तय हुआ कि मिलकर लड़ेंगे, ये तो पहली बैठक में तय हुआ था पटना वाली में। नीरज जी मुझे एक बात मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के अंदर में क्या होगी, क्या रणनीति तय होगी, हर बातों का जिक्र करना मुझे नहीं लगता है कि यह प्लेटफॉर्म है और मीडिया के समक्ष रखना चाहिए। इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी दल है, रणनीति आपस में बनती है, उन रणनीतियों पे हम काम। अनुप्रिया जी देखिए जो परेशानी जो है बीजेपी के लिए, अरे सुनिए ना, मैं
मैं आती हूँ, मेरी बातों को पूरा करने दीजिए। लेकिन देखिए, जो बीजेपी के लिए जो एक सवाल है, चेहरा कौन, आपके कन्वीनर कौन होंगे, आप आपका लोगो क्या होगा, अरे भाई जब आप अपने राज्यों के इलेक्शन में अपने चेहरों को नहीं ला पाते हैं, आपके लिए मात्र एक ही चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमने तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना था, लेकिन ये तो भाजपा के प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं, सिर्फ प्रचार में लगे हैं। अरे इसी बात को अनुप्रिया जी एक मिनट सुनिए ना, आप लोग सुनिए, इसी बात को तो आप काउंटर करने के लिए बैठे हुए ना इंडिया बना के, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उनके यहाँ तो तय है कि एक ही आदमी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, प्रचारक है, नेता है, वो सब काम वही करेंगे। ओके डन, इसको काउंटर करने के लिए आप इतनी बड़ी मीटिंग बना रहे हैं। आपने कहा कि वन बाई वन करेंगे और ये गोपनीय रखेंगे। अरे चुनाव लड़ने के समय तो उतरेंगे ना, राजीव राजी अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुपके थोड़ी लड़ेंगे, पर्चा भर के लड़ेंगे, अखिलेश जी पर्चा भर के लड़ेंगे, तो ये गोपनीय कौन सी रणनीति बनेगी? नहीं नहीं नीरज जी, कैंडिडेट तो जनता के सामने होगी, आपको भी पता। अरे तो एक फार्मूला तय होगा ना, अभी हल्के से अखिलेश जी ने एक बात कह दी है, अब उस पे देखिए महीन महीन खेल रहे हैं राजीव भी, विनबिलिटी तय होगी, विनबिलिटी यूपी में कैसे तय होगी पता नहीं। नीरज जी देखिए, आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि रणनीति हमें नहीं पता। मैडम 90 दिन बाकी, अब भी ना पूछे तो क्या चुनाव के बाद पूछेंगे क्या? आप लोग भी मतलब मनी मन हंस रहे होंगे कि मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर आप क्या उठपटांग जवाब दे रहे हैं। 90 दिन बचे हैं सिर्फ, अभी भी आप उसी उहापोह में है, तो बताइए मैं कब पूछूंगा आपसे। 90 दिन बचे हो बहुत, मैं आपके लिए होगा कम समय है, लेकिन भारत की जनता के लिए यह बहुत ही। अरे भाई अच्छा रुकिए, अब रुकिए, मैं मानो सतीश जी से पूछ लेते हैं। सतीश जी मन की बात ना करें, सुन लिया आपने? अरे अनुप्रिया जी हमारे 20-25 मिनट हो गए, पत्रकार जी के पास गए नहीं। आप अपने पिच पे चाहेंगे कि मैं खेलूंगा? नहीं, मेरे पिच पे नहीं खेलना, आपको जनता के पिच पे खेलना है, लेकिन मैं एक जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। सतीश जी क्या तय हुआ, आपको क्या समझ में आया है पहली बैठक से चौथी बैठक में, क्या तय हुआ? तय यही हुआ है कि कुछ खास तय नहीं हुआ है, एक मीटिंग हो गई है बहुत लंबे अंतराल के बाद, इसको केसी त्यागी ने कहा कि ये एक साल बर्बाद कर दिया, मगर फिर भी मीटिंग तो हुई है, सबको सुध आई है चुनाव के बाद। पहली बात मतलब वो कहते हैं ना कि हुजूर देर कर दी, बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन शुक्र है आए तो, ये दूसरा पक्ष है। सवाल ये है कि क्या ये लोग वाकई एकता करना चाहते हैं या बस आए थे फोटो खिंचवाने कि हाँ जी हम भी हैं अपोजिशन में। अभी कुछ तय नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। मोदी के खिलाफ जो है कोई एक वारिंग लॉर्ड्स का मॉब लड़ नहीं सकता, इसके लिए उनको लड़ने के लिए 77 जैसा एक माहौल चाहिए था जो इन्होंने गवा दिया है। और अभी भी नीति तय नहीं है, नेता तय नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो पहले तय हो जाता था, वो भी अभी तक नहीं है। और आपने कहा 90 दिन, मान लीजिए कि अब तक चुनाव हो जाता जैसा नीतीश जी ने कहा था, तो मैं तो ये कहा यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि तीनों लोग जो है कांग्रेस से और समाजवादी से, ये लोग तो दोनों बहुत डिमोरलाइज्ड, एक अभी हमें लगता है राजीव जी और अपने अखिलेश जी डिमोरलाइज्ड एक जैसा बोल रहे हैं, डिप्लोमेटिक भी है। यहाँ पर जो अनुप्रिया जी है वो ठीक बोल रही, वो सही सही बात बोल रहे। अब सवाल ये है कि आगे क्या, मतलब जब वो ये देखिए जिस तरह से अखिलेश वखिलेश कहा गया, जिस तरह से माहौल खराब हुआ, कांग्रेस एकदम इतना 4000 किलोमीटर चल करके आसमान में उड़ने लगी अखिलेश जी, तो वो तो एक उनके साथ दिक्कत थी। अब मैं मानता हूं, मैं आपको अगर पार्टी की दृष्टि से बोलूं, मैं जो समझता हूं वो कांग्रेस ने ठीक काम किया था, और लेकिन कांग्रेस शायद अब ठीक नहीं कर रही है कि वो बदहवास फिर से हो रही है कि 4000 किलोमीटर से फिर 4 किलोमीटर पर आ गई, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो दबाव काम कर गया INDIA के लोगों का। मैं कई लोगों से बात कर चुका हूं, सब तो यही कहते थे कि भाई, और कांग्रेस वाले भी कहते थे कि इनका काम ही आंचलिक पार्टियों का, पारिवारिक पार्टियों का, कि कांग्रेस को कमजोर रखो, जो कि जयराम रमेश बोलते थे। तो क्या अब वो क्या कर रहे हैं, तो कांग्रेस के ऊपर तो सबका दबाव काम आ गया, तो अब तो जैसा मोदी दावा कर रहे हैं मोदी जी कि 24 तो डन डील है जी, तो वाकई लगता है कि डन डील है। हालांकि राजनीति में 9 दिन भी काफी होते हैं, अभी तो 90 दिन बाकी, लेकिन माहौल बिल्कुल सफा चट लग रहा। अब तो शिवसेना भी बोल पड़ी, ये तो बहुत दिनों से एक प्रकार से कांग्रेस का
वो बड़ा गुणगान भी कर रही थी, तो शिवसेना भी बोल चुकी अखिलेश जी इनका सब नेताओं का थोड़ा अलग अलग ले लीजिए भाई। नीतीश जी को अभी लगता है कि वो बाहर ही रहेंगे, बाहर जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है जी। और सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हो पाए एकदम पक्की बात भाई। दो चीजें हैं, मुद्दे क्या लड़ेंगे जिस पे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और एक कौन कितनी बातों का क्लैरिटी दूंगा अभी मैं आता हूँ सर। अभी है अभी तो एक पहले अक्कू जी के पास चलता, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ तुरंत। एक बहुत ओल्ड क्लिशे है जो अक्सर हमारे एनालिस्ट और पत्रकार और पार्टी के लोग यूज करते हैं कि 1 week इज मोर देन एनफ फॉर इलेक्शंस। ये बहुत ही घिसी पिटी लाइन है सर। हर दिन हर घंटे आपके यहाँ मनभेद है, मतभेद नहीं, ये मनभेद दर्शाता है। जब शिवसेना ये कहती कांग्रेस अकेले अकेले केक खाना चाहती है, आप इसको मतभेद बता रहे हैं। मतभेद तो सुलझा लिए जाते हैं, जब मनभेद होता है ना तो हर तीसरे दिन एक ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है। बैठक से ठीक पहले केसी त्यागी अगर ये बोल रहे हैं तो ये कुछ दर्शा रहा है। अक्कू सर क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, क्या तय हुआ 4 बैठकों के बाद? आपके ऑब्जर्वेशन के साथ तो ना जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता नहीं रहती, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही है। अब उसके आगे की बात मैं कर लेता हूँ। आज की बैठक का उद्देश्य क्या था? संयोजक तय करना, कौन कहाँ लड़ेगा ये तय करना, और उसके अलावा मुद्दे क्या है ये तय करना। और बैठक में हुआ क्या ये बता दीजिए। तीनों काम नहीं हुए। सिर्फ ये हुआ कि कांग्रेस ने एक कमेटी तय कर दी कि साहब, वो भी बैठक के 10 पहले, बैठक के 2 घंटे पहले एक खबर आती है कि कांग्रेस ने एक कमेटी तय कर दी है कि जो लोगों को चुनाव के बारे में बातचीत करेगी, और उसमें ये लोग होंगे, 5 आदमी बता दिए, वो हो गया। यानी कि खबर को डाइल्यूट पहले कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बैठक के नतीजे निकले वो क्या निकले आप देखिए। निकला नतीजा एक ये कि निंदा प्रस्ताव हुआ, जो सांसद अभी लोकसभा में या राज्यसभा में जिनको वहां से हटाया उनको लेकर के निंदा हुई एक। दूसरा क्या हुआ, खड़गे साहब ने का नाम आया और खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको ममता बनर्जी ने रखा, अरविंद केजरीवाल ने उसको देखा सुना, आगे पीछे कुछ नहीं कहा, और फिर उसके बाद में वो नाम फिर खड़गे साहब ने अपने नाम को किनारे करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत की उसमें ये कहा कि साहब पहले आप MP तो चुन लें, PM बाद में कर लीजिएगा। ये सब और इसके अलावा EVM पे बात हुई। अब इसमें 2 बातें गैर जरूरी थी जो इस बैठक का हिस्सा नहीं थी लेकिन इसका हिस्सा बन गई। एक सांसदों के निलंबन पर चर्चा, दूसरा EVM। इस बैठक में जो मूल बातें थी वो बिल्कुल नहीं हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई, उसको बहुत आगे तक नहीं ले जाया गया। हुई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हुई, लेकिन वो बात हुई सांसदों के निलंबन पर। आधी बैठक का आपका टाइम उसमें चला गया कि आपने सांसदों का निलंबन किया, गलत किया, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, 22 तारीख का ये होगा वगैरह वगैरह होगा, और फिर उसके बाद बाकी और चीजें होंगी। EVM पे सब जानते हैं, आप कितनी भी ढोपली बजा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, EVM वही रहने वाला है, ये भी आपने कर लिया। अब जो काम होना चाहिए था इस बैठक से कि साहब आप पहले संयोजक तय कर लें, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये तय कर लें, मुद्दे क्या हैं ये तय कर लें, अब कौन कहाँ लड़ेगा ये तो पहले दिन से एक प्रशांत किशोर का फार्मूला होता है कि उन्होंने कहा जहां जो मजबूत होगा वो कर ले। बैठक के बाद स्टालिन ने भी उस पर मोहर लगा दी और उन्होंने कहा नहीं, जो जहां जहां मजबूत है वो कर ले। तो बैठक भाई हुई किस लिए थी? क्या ये बैठक BJP के एजेंडे पर हुई थी? मुझे तो लग रहा है ये BJP ने एजेंडा प्लांट किया था। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि उसको उसने पहले सांसदों को निलंबित किया और उसके बाद आपकी पूरी बैठक की आपने जो है उसी पर आप केंद्रित रह गए। आप उसको आज की खबरें 3 हो गई। एक खबर होनी चाहिए कि BJP होनी चाहिए थी सैबिन की, 3 मतलब जो बैठक होती उसमें क्या क्या नतीजे निकले, लेकिन आज 3 खबरें हो गई। एक कांग्रेस ने कमेटी बना दी, एक आपने सांसदों के निलंबन कर दिए की निंदा कर दी, और ये डाइल्यूट हो करके कि खड़गे साहब का नाम आया और खड़गे साहब ने कहना ना अभी कुछ नहीं, अभी तो MP बना लीजिए फिर करते हैं बाकी बात बाद में। यही हुआ ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। होना 4थी बैठक में, 6 महीने में 4थी बैठक, सबसे इंपॉर्टेंट बैठक, 2 महीने 10 दिन से 15 दिन से ज्यादा नहीं बचे हैं आपके पास। पिछली बार 10 मार्च
को चुनाव की घोषणा हो गई थी, उसके बाद तो आप लोग कुछ पैसा जोड़ने में घटाने में चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन है उनकी तैयारी करने में जी, लगेंगे। सर कैसे होगा ये सब भाई? प्रत्याशी तय करना है, कार्यक्रम तय करना है, टेंट कुर्सी बुक करना है, लाउडस्पीकर गाड़ियां बुक करना है, हेलीकॉप्टर बुक करना है, ये सब एक दिन में होता है क्या? मैं तो 90 दिन, आप तो 17 दिन दे रहे हो। पिछली बार 12 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था और अभी तक ये सीरियसनेस नहीं है। राजीव राजी, क्या सफाई आप देना चाह रहे थे बताइए सर। नीरज जी, पहली बात मैं सम्मान अपने वरिष्ठ साथियों को, वरिष्ठ पत्रकार मित्रों को कहूंगा कि एक बात समाजवादियों के बारे में सारे मानते हैं कि निराश और हतोत्साहित नहीं होते हैं किसी भी कितनी भी सम परिस्थिति में आ जाए। दूसरी बात जो बार बार ये आप लोग कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे के सामने कौन, तो यही लोग थे, ये लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कभी कहा करते थे कि इंदिरा गांधी के सामने कौन, अटल बिहारी वाजपेयी क्या छोटी शख्सियत थे, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है नारा लगाने वाले क्या छोटी शख्सियत थे। तो जब जब ये सवाल उठा है कि इनके सामने कौन, देश ने जवाब दे दिया है, तो निश्चिंत रहिए देश जवाब दे देगा। और ये कहना आप किसने कहा था कि संयोजक तय करने के लिए मीटिंग हो रही है, अगर आप अपने एजेंडे को हमारा एजेंडा बना दें और ये कहे कि बीजेपी ने एजेंडा सेट किया है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी ये थी कि ये 5 राज्यों के चुनावों की वजह से एक लंबा गैप हो गया था, सही बात है। अगर ये चुनाव नहीं रहे होते तो मीटिंगें और भी हुई होती और रास्ता ज्यादा तय कर लिए होते, इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं, बेबाकी से स्वीकार करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो बैठक था, अब ये बोलिए सांसद निलंबित हो गए तो क्या इंडिया गठबंधन की बैठक 28 दलों के चाय नाश्ते के लिए हुआ था क्या? अगर उस समय कोई घटना होती है देश में लोकतंत्र किस लिए गठबंधन बन रहा है कि जो तानाशाही चल रही है सरकार से लेकर सदन तक, उस तानाशाही के खिलाफ सारी पार्टियां एक साथ खड़े होकर आवाज उठाएं, तो तानाशाही के खिलाफ उस पर हम बात भी ना करें तो आप बोलेंगे कि 28 दलों के लोग बैठे और इनके 141 सांसद निलंबित हो गए, बात तक नहीं किए। तो अगर मीन में एक निकालना मकसद हो तो कहीं भी निकाला जा सकता है। हम संतुष्ट हैं कि लंबे अंतराल के बाद जो बैठक हुई, लंबा अंतराल जी 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 राजीव एक लाइन में कंप्लीट कर लूं, हम संतुष्ट हैं कि जो इनएविटेबल टाइम था उसको बस एक लाइन में, लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें ये बेसिक रूप से जो तय कर गया, डिटेल आपके सामने नहीं आया है तो तमाम सवाल उठेंगे और कहेंगे बैठक खत्म हुए कुछ घंटे ही हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों को क्लियर कर गया, किसी ने नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री तय करने के लिए बैठक हो रही है, संयोजक तय करने के लिए बैठक। राय साहब अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे मैंने पूछा बैठक में हुआ क्या, क्यों हुई थी ये बैठक, ये बैठक हुई क्यों थी? और सुनिए सर राय साहब सुनिए ना, अभी आपने काफी रख दिया, आपको पॉइंट हमने ले लिया, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और कुछ काम नहीं किया गया, ये केसी त्यागी और सामना पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपके सहयोगी पूछ रहे हैं। मुझे तो उस बैठक में शायद उनको ये बताया गया होगा भाई अगली बैठक से पहले ये मत पूछ लेना आप, तो ये उन्हीं के सवाल है जो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये 4 महीने बाद जो चौथी बैठक हुई इसमें कुछ नहीं तय करना था, अगर जब कुछ तय ही नहीं करना था तो बैठक हुई क्यों थी, क्या करने के लिए बैठक हुई थी? फिर आप कहोगे कि मैं कह रहा हूँ कि चाय समोसा के लिए बैठक हुई थी, अरे कुछ डिसाइड ही नहीं करना था बैठक, ये मुझे एकदम बुरा नहीं लगता नीरज जी, एकदम बुरा नहीं लगता। देखिए कड़े सवाल सर आपको इसलिए सुनने चाहिए, हमें सवाल करना, हाँ इसलिए, अरे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ना इसमें सवाल उठता। अभी रुकिए जरा, अखिलेश जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी बहुत दिन बाद आए तो मुझे लगा आज गर्मा गर्म कुछ होगी, लेकिन अखिलेश जी आज आपकी बात में थोड़ा खनक नहीं है सर, बुरा मत मानिएगा। आज जिस तरीके से सारे जो अक्कू जी कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ बहुत सीरियस नोट पर, कि सांसद वहाँ खड़े होकर के मिमिक्री कर रहे थे, ठीक है लोकतंत्र आप कर सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। आज आपके साथ सर सबसे जरूरी काम ये है कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तक के नेताओं के लिए शीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करें, इससे जरूरी कोई काम आपके लिए नहीं हो सकता इस समय, और इसको छोड़कर बाकी सब काम सारे दल कर रहे हैं अखिलेश जी, इसलिए सवाल पूछा जा रहा आपसे, यही दो काम नहीं करना बाकी सब करना है, फोटो खिंचाना है, वीडियो बनाना है, मिमिक्री करना है, अब वो तय करिए ना जिसके आधार पर आपको चुनाव लड़ना है। अक्कू जी के पास जी अक्कू जी के पास और सतीश जी के पास हम लोगों का आज का बैठक का एजेंडा ही इन्हीं लोगों ने किया है, इन्हीं लोगों के पास है, उस पर ये बहस कर रहे हैं तो भाई तो नई बात है, अच्छा है, रहता है इन लोगों के पास, कांग्रेस का चीज़ें रहें तो अच्छी है, लेकिन बीजेपी की तो नहीं पा पाते होंगे, स्वागत है इनके भी अपने सोच का। देखिए दरअसल में है क्या ना,
कि जो लोग थोड़ा तानाशाही प्रवृत्त के होते हैं और पहले से प्रेजुडिस होते हैं और किसी को के आगे दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उनको लोकतांत्रिक व्यवहार जो है वो बगावत लगती है जी। तो अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है तो जो तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो चाहे जिस फील्ड का हो, राजनीतिक हो या जर्नलिस्ट हो, तो उसे लगता है कि ये बगावत है। अरे यही है लोकतंत्र। दूसरी बात, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी बन रहा है सबसे बात करके। जो हमारा, मैंने आपसे कहा, यहाँ दिल्ली में बैठ करके किसी अदर स्टेट की सीट शेयरिंग या सीटों के विनेबल कैंडिडेट का बहस इतनी बड़ी मीटिंग में नहीं हो सकती। वो जो उस प्रदेश का पार्टी अलायंस पार्टनर है वो दोनों बैठेंगे, उनमें बहस होगी। लोग होमवर्क कर चुके हैं, अब अपना होमवर्क करने के बाद दोनों लोग लेके बैठेंगे जी। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। यही मोदी जी आज आप लोग जिनकी तारीफ कर रहे हैं, इन्हें चार राज्यों के चुनाव में क्यों ले आते हैं? चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन की, आप बीच में रुक तो जाइए। मोदी जी का मैंने नाम भी नहीं लिया। रुकिए। जैसे मोदी जी की जैसे मोदी जी के ऊपर कटाक्ष आता है, आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पे नहीं बात होगी, खाली उनका कीर्तन होगा क्या? जिम्मेदारी में बैठे जब आप देंगे तो इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी क्या है, क्या तरीका है? एक मिनट रुकिए, अब आप उनके ऊपर चार राज्यों डिसीजन थोड़ी कर रहे हैं, आप अपना एजेंडा चलाते रहे। देखा अक्कू जी, आप एजेंडा चला रहे हो, मैं भी चला रहा हूँ। लोग सारे अक्कू जी एजेंडा चलाइए। आप भाग रहे मोदी जी की बात आ रही है। रुक जाइए, दस सेकेंड। अरे ले लिया, पॉइंट हो गया आपका। आदरणीय मोदी जी की भी और आपकी भी बात कर दें, रुक तो नहीं हुआ। यही तो पीड़ा है, मोदी निंदा नहीं सुन सकते क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार है। मैंने कहा अखिलेश जी, कि सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलावा आपके गठबंधन के पास और कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके सिवा बाकी सारे काम आपके लोग कर रहे हैं। ये दो छोड़ के बाकी सब काम करेंगे। अक्कू जी बताइए। देखिए, ऐसा अखिलेश जी पुराने मित्र हैं हमारे और वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे थे और मुझे लग रहा है कि आजकल वो निबंध लिखने में ज्यादा उनका रुचि हो गई है। लोकतंत्र के लिए बहुत बारी बात करने के लिए, ये सब आज की राजनीति में सीधी सीधी बात होती है। बहुत ज्यादा किसी को फुर्सत नहीं है लोकतंत्र को बचाना है नहीं बचाना, जिसको बचाना है वो वोट देता है और किस तरीके से वोट देता है ये हम सबको पता होता है। अब सवाल ये है कि इस बैठक में सोच देखिए, लोकतंत्र को बचाने की किसी की चिंता नहीं होती। अगले जी बात कंप्लीट कर लीजिए, ब्रेक लेना मुझे प्लीज। आप इस बैठक में जो किया जाना था, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, कहा गया कि अब आप लोग जर्नलिस्ट भी नहीं रहे, अब लोकतंत्र को बचाने की किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती है, कोई चिंता नहीं करता है। आप लोकतंत्र खो चुके हैं, आप लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही अपनी खो चुके हैं, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी से आप इसी तरह का अपेक्षा करते हैं। वोटर के लिहाज से पूछ रहा हूं कि वोटर जो है वो ये चाहता है कि वो क्या आप लेकर के सामने आ रहे हैं। मैं किसी को नेताओं को तो कम से कम खास तौर से कोई राय नहीं दे सकता। वोटर ये चाहता है कि महंगाई कब रुकेगी जी। एक ब्रेक ले लेते हैं सर, एक ब्रेक लेंगे। अक्कू सर ब्रेक लेंगे, अखिलेश जी ब्रेक लेंगे, बहुत जरूरी है हमारे लिए ब्रेक लेना, आप समझो मेरे लिए बहुत जरूरी ब्रेक लेना। चिरकुट अखिलेश वखिलेश, वो कौन है बोलने वाला? अगर ये लोकतंत्र है बॉस तो दिक्कत है सर। ब्रेक के बाद चर्चा कंटिन्यू करते हैं। मैडम, आज चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन की, एक बैठक हुई उसमें क्या तय हुआ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि क्या हुआ क्या। सतीश जी देखिए, अखिलेश जी, राजीव जी, अनुप्रिया जी सब बता रहे हैं कि बहुत कुछ तय हो गया। नहीं, पहले सतीश जी, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। पूरा समय है आपके, डोंट वरी। सतीश जी एक बार बोल लें, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा, आपसे कम बात हुई जी। सतीश जी देखिए, क्या हुआ नहीं हुआ, हो सकता हो भी गया होगा, हम लोग कोई नहीं होते कि क्या नहीं हुआ कहने वाले, क्या कुछ नहीं हुआ। ये बैठक हो ही गई है, बहुत बड़ी बात है। 2-4-5-7-10 बार टली थी अलग अलग बैठकें, भोपाल में रैली भी होने वाली। दरअसल बुनियादी कारणों पे जाइए कि क्यों नहीं हुई, हो रही थी बैठक, या क्यों सीटें, यह सब तय नहीं हो पाई।
कारण ये था, सबको अपने अपने जमीन और अपने अस्तित्व की चिंता थी। कांग्रेस बढ़ रही थी, उसको लगा बहुत बढ़ जाएंगे, बाकियों को लगा हम बहुत सिकुड़ जाएंगे, कांग्रेस बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो ये जो टकराव था इसी में ये बैठक नहीं हो पाई। अब शायद जमीन पे आए हैं लोग तो कुछ सोचे, लेकिन अभी हमें अभी भी कारण बहुत ज्यादा नहीं लगता। बहुत अगर बिग हार्ट दिखाए लोग, बड़ी सोच रखें, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए आप कह रहे थे ना 2 घंटे काफी है, मैक्सिमम 2 घंटे। चौथी बात, तीसरी बात जो कह रहे थे अभी अखिलेश भाई कह रहे थे कि मोदी जी के राज में, अरे बहुत गड़बड़ियां हैं, इसलिए तो आप लोग हैं, लेकिन आप उसको उठा नहीं पाए, उठा नहीं पा रहे हैं और अब तक नहीं उठा पा रहे हैं, और इसलिए पटक पटक के आपके विपक्षी पार्टियों को मारा जा रहा है, ये कारण है। तो ये बुनियादी जो चीज है, इस पर जाइए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। एक बड़े नेता ने INDIA के सिर्फ 7 दिन पहले मुझे बताया, बहुत बड़े नेता, कि अगस्त सितंबर में मोमेंटम बना था INDIA के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस के इरादे ने, मंसूबे ने और उसके टालो नीति के चलते सब कुछ खाक हो, ये मैं बता रहा हूं आपको बड़ी जिम्मेदारी से। INDIA के बहुत बड़े ने क्यों कहना पड़ रहा है चिदंबरम को कि ये क्या हो रहा है, ये बताएं, ये लोग बताएं ना भाई जी। अनुप्रिया जी, सर आता हूं जी, अनुप्रिया जी बताइए। नीरज जी, मैं बधाई दूंगी सतीश सर को कि चलिए उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया कि जो वर्तमान की सरकार है वह विपक्ष को पटक पटक के मार रही है, मतलब कि वह तानाशाही है। अगर सदन के अंदर, और मैं कहती हूं कि हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, सांसदों के बीच में अगर कुछ लोग आके उपद्रव मचा देते हैं और उसकी जिम्मेदारी के लिए, इसलिए तो पटक पटक आप, वो भी तो कारण नहीं, नहीं ठीक है, नहीं चलिए आपने सर मान लिया, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपके बातों को देश की जनता बहुत ही संजीदगी से सुनती भी और मानती भी है कि आखिरकार आपने ये स्वीकार लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं कि संसद जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे जो चुने हुए सांसद हैं उनकी कार्रवाई चल रही है और कुछ लोग आके उपद्रव मचा देते हैं, और विपक्ष सिर्फ यह पूछता है कि जो आपकी जवाबदेही है उस पर आप जवाब दीजिए, इस सवाल के जवाब में यह कार्रवाई होती है, आप उनको सदन से बाहर निकाल दीजिए। अगर विपक्ष, जो आप आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार और आप भी पूछ रहे हैं बार बार कि आज आपकी बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा होनी चाहिए थी, आपके नेता का चयन हो जाना चाहिए था, चलिए हम वो नहीं कर पाए आपके अनुसार, लेकिन हमने यह बताने का प्रयास किया कि एक साथ हमें एकजुट हुए हम कि यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद से बाहर कर दे रहे हैं, उसकी चिंता भी हम ना करें तो फिर हम विपक्ष में क्यों है, हम क्या कठपुतली है, देश में हमारी कोई भूमिका है भी कि नहीं है। आप जैसे मनमानी चलेगी वैसे करेंगे, अगर आपके लिए यह लोकतंत्र बचाने के लिए बैठक मान्य नहीं लगता है तो फिर आपकी यह अपनी चिंता है, फिर आपकी यह सोच कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हो या आपकी सोच काम कर रही हो, लेकिन हमारे लिए हर पल, अगर वो मणिपुर की घटना के लिए विपक्ष एकजुट होता है तब भी वो महत्वपूर्ण है। जी, समय कम है इसलिए राय ले लेता हूं, आप पॉइंट देखिए ना आपका, जल्दी से चलिए 30 सेकंड और कंप्लीट कर लीजिए आप जल्दी से। तो इसलिए आपने जो कहा कि एनडीए अलायंस के जितने सहयोगी दल हैं, दो यहाँ कांग्रेस और SP के लोग बैठे हैं, किसी का मनोबल घटा नहीं है, सभी का मनोबल बहुत ही मजबूत है, इसलिए मजबूत है क्योंकि हमारे साथ में देश की आवाम है, क्योंकि देश का आवाम, मीरा जी बस एक लास्ट बार, कि देश का आवाम पूछ रहा है कि साहब नौकरी कब मिलेगी, साहब हम घर में कब हम 3 समय का भोजन कर पाएंगे, साहब हमारे लोगों महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगा जी। अनुप्रिया जी, पॉइंट अगेन अनुप्रिया जी, ये सारे मुद्दे लेकर के अभी आप 5 राज्यों में गए ना, मैं उनसे कहां इंकार कर रहा हूं। अब देखिए, थॉट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, आइडिया का समय खत्म, अभी स्ट्रेटजी का टाइम है, इसलिए मैं बार बार वहां पे आपको लेके आ रहा हूं। जो आप मुद्दे गिना रही हैं इसको स्ट्रेटजाइज करना है। अब कांग्रेस ने ये जरूर सोचा होगा कि अगर इन 3 राज्यों में, खासतौर पे हिंदी वाले बेल्ट में, अगर वो जीत लेते तो फिर राजीव राय जी से हार्ड बार्गेनिंग होती। अब राजीव राय जी मन ही मन खुश हो गए होंगे कि भैया 3 राज्यों में आप निपट गए हैं, अब आप आओ मेरे मैदान में। तो अभी कहा ना कि विनिबिलिटी वाला फैक्टर जब इन्होंने कहा अखिलेश जी ने, तो राजीव जी ने कहा ये तो तय होगा। राजीव जी गलत कह रहा हूँ मैं?
मैं कुछ बोलूं? नहीं, पहले राजीव जी, उसके बाद फिर अगले जी आपका हो गया है जी, बताइए। नहीं नहीं, नीरज जी, तो अखिलेश जी ने नहीं कहा कि तय हो गया है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि विनेबिलिटी फैक्टर रहेगा और दोनों पार्टियों के नेता बैठकर अब तय कर लेंगे कि कहां कहां कैंडिडेट का नाम आएगा, हम बैठकर डिस्कशन कर लेंगे, दो मिनट के अंदर क्लियर कर देंगे। एक चीज जरूर मैं आपकी अनुमति हो तो कमेंट करना चाहूंगा, जब ब्रेक में जाने से पहले आपने बोला, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया कि अगर यही लोकतंत्र है तो भगवान बचाए, सही है, दुर्भाग्यपूर्ण शब्द थे, लेकिन मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई मंत्री कभी किसी केंद्रीय मंत्री को मंच से महाबहन की गालियां नहीं दिया था, भीख का कटोरा नहीं मंगवाया था और झूठा और अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया था। उस राजभर के चरणों में पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, तो लोकतंत्र अगर वो है तो ऐसा लोकतंत्र भी हमें नहीं चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, हम उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे में इन प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि बिना होमवर्क किए, अगर देखिए मैं बेबाकी से कहूंगा, 6 तारीख वाली बैठक में हम लोग शामिल नहीं हो पाए तो सिर्फ इसलिए कि होमवर्क करके जाएं, होमवर्क करके गए हैं और जिन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे उन मुद्दों पर सहमति लेकर आए हैं, उस सहमति के आधार पर अगले 2 हफ्ते से राजीव राजी तय हो जाएगा। बीती तय विसार दे आगे की सुध लीजिए, जो आप लोग बार बार कहते हैं ना सर, इसमें प्रॉब्लम है, हर दिन आपका स्टेटमेंट बदलता है। मध्य प्रदेश का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसी चैनल में बैठ के कहा कि 2.5% वोट है यूपी में कांग्रेस का, तो 2.5% के हिसाब से 2.5 सीटें मिलेंगी, 2 सीटें बनती है एग्जैक्ट, 80 को 2.5% 2 ही सीट होती है। अब आप कह रहे हो कि नहीं फिजिबिलिटी, तो भैया आप अपना एक राय तय कर लो तो मैं उसी हिसाब से सवाल पूछूं, आप हर दिन राय बदलो तो सवाल बदलूंगा ना फिर नीरज जी। मैं कहां कह रहा हूं कि 20 सीटों पर सहमति तय हो गई, ये लीजिए बताइए अखिलेश जी, लौनक मान लीजिए कहीं इनके कैंडिडेट आते हैं और बोलते हैं कि अखिलेश जी देवरिया से जीत जाएंगे और हमारा नहीं, अखिलेश भाई 10 सेकंड, अगर 10 सेकंड अखिलेश भाई, अगर अखिलेश जी आते हैं और बोलते हैं कि वो देवरिया से जीत जाएंगे और हमारे पार्टी को लगता है कि जीत जाएंगे, तो हमें तो एमपी जिताना है ना, खड़गे साहब ने बोला पहले एमपी जीत जाएं जी, फिर हम पीएम बन जाएंगे जी, जी, तो जी, 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 जी समय एकदम कम है, अखिलेश जी बोलिए सर बोलिए। देखिए आपके शंका का मैं निराकरण कर दे रहा हूं कि आप ये चाहते हैं कि जैसे पूरी मीडिया को नियंत्रित करके रखे हैं साहब हमारे, उसी तरह विपक्ष भी नियंत्रित रख रहे, वो भी सवाल ना पूछे, तो आप अपना धर्म भूल सकते हैं, विपक्ष तो उनसे नियंत्रण में नहीं आने वाला है, विपक्ष तो आवाज उठाएगा और जो उन्हें तानाशाही करनी है वो करते रहे, जनता भी इस बात को देख रही है जी। जहां तक रही बात लोकतंत्र की, जो आज हो रहा है इसी से देश को बचाना है, कैसे? इसी से आज की तारीख में इस देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि वो 400 लाख करोड़ रुपए काला धन कहाँ है, और इस देश के सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हमारे साहब आदरणीय मोदी जी हैं कि जिनके बात की कोई गारंटी, जो बोलते हैं ना उनकी एक झूठ की गारंटी है, उसे किसी और बात की गारंटी नहीं है, पूरा उठा के देख लें, वो अब लोकसभा में उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, विधानसभा में तो चलो स्थानीय बात थी, लोकसभा में आपने कहा था 2020 में हम ये कर देंगे, अखिलेश जी, अखिलेश सर, 20 सर एकदम समय समाप्त हो रहा है, हर किसी का पक्का घर समय समाप्त हो रहा है सर, उसमें जल होगा, सुनिए ना सर, अरे समय समाप्त हो रहा है सर, हाँ तो मैंने कहा था 90 दिन बचे हैं सर इस लोकसभा के, अभी आपको नई लोकसभा की तैयारी करनी है सर, तब आप सवाल पूछेंगे, दिन बीजेपी पे भारी हैं, ये आप सवाल पूछे तैयारी करें, मेरा शो उस पे है, आप बार बार घुमा फिरा घुमा चले जाते हो, और अब उधर आप ले जाओगे तो फिर उधर का डिस्कशन मैं करूंगा कि अभी 3 राज्यों में जिनको आप कह रहे हैं उनके कोई विश्वसनीयता नहीं, उनकी गारंटी को 3 राज्यों में आपको उन्होंने हरा दिया बुरी तरीके से, तो दूसरे के सुनिए 1 सेकंड, नहीं अभी समय खत्म हो गया सारे, अखिलेश जी अभी तो बहुत शो होंगे सर, अभी आपकी अगली बैठक होगी, सीटें तय करेंगे आप यूपी में सीटें तय करेंगे, तो हम फिर से इस पर चर्चा करें, आज के लिए इतना ही सर, बात उठाते हैं तो आपको बात पूछना, अरे अखिलेश जी सबसे ज्यादा समय आज इस शो में अखिलेश प्रताप सिंह जी ने बोली है, सबसे ज्यादा समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका इंडिया गठबंधन को जनता को बताना पड़ेगा वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।